हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, मैं जैसे ही अपने लैपटॉप को अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट करता हूँ, थोड़ी देर में जो मेरा 1 GB की जो लिमिट का डेटा है वो ख़त्म हो जाता है। और वो ख़त्म होता है जो मेरे जो लैपटॉप है उसके ड्राइवर्स अपडेट होते हैं, विंडो अपडेट होते हैं। तो मैंने विंडो अपडेट को स्टॉप करने के लिए तो मैंने एक वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आपको किस तरह से जो ड्राइवर हैं उनको ऑटो अपडेट से हम रोकते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक फॉलो कीजिए और अपने लैपटॉप या पीसी को आप आराम से यूज कीजिए, और आपका कोई भी एक्स्ट्रा इंटरनेट उसमें यूज नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जाना है सर्च बार में और वहां पर लिखना है सिस्टम। हम सर्च बार में सिस्टम लिखेंगे, उसके बाद में आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग दिख रही होगी, वहाँ पर क्लिक कर देंगे। फिर आप यहाँ से हार्डवेयर को सेलेक्ट कर लीजिए, उसके नीचे आपको देख रहा होगा डिवाइस इंस्टॉलेशन के बारे में, फिर इसमें आपको नो और यस का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप नो कर दीजिए और गो टू सेटिंग और फिर ओके कर दीजिए। दोस्तों, हमारा काम बन गया है और इससे हमारे जो ड्राइवर है वो अपडेट होते बंद हो जाएंगे और हमारे जो एक्स्ट्रा इंटरनेट यूज होता था हमारे लैपटॉप में वो अब नहीं होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। मिलता हूँ अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।